हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानो। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बच्चा 2 साल या 3 साल से ऊपर है और अभी तक बात करना स्टार्ट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। क्या आपके बच्चे को स्पीच डिले है या आपके बच्चे को ऑटिज्म है, क्या है आपके बच्चे को, ये आज हम पता करेंगे। तो आज आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपकी जितने भी कन्फ्यूजन होंगे वो दूर हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे को स्पीच डिले है तो आपको क्या करना है, और अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है तो आपको बच्चे को कौन से डॉक्टर को दिखाना है, आज हम इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का जो जो पीछे कारण है वो ये है कि मेरा बेटा जो आहान है वो 3 साल के बाद बोलना स्टार्ट हुआ, आई मीन 4 साल के आसपास वो क्लियरली बोलना स्टार्ट हुआ। उसके पहले जब भी वो बोलता था हमें कुछ समझ नहीं आता था, यहाँ तक कि वो 2 साल तक कोई चीज़ समझ भी नहीं पाता था। तो उसके क्या रीज़न थे, क्या क्या उसे प्रॉब्लम थी, क्या उसे स्पीच डिले था या ऑटिज़म था, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है कि स्पीच डिले में क्या क्या लक्षण होते हैं, और अगर आपके बच्चे को सिर्फ स्पीच के अलावा बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है तो आपके बच्चे को स्पीच डिले हो सकता है। क्योंकि स्पीच डिले और ऑटिज़म में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, उसमें एक दो तीन तीन चार ही डिफरेंस होते हैं। अगर वो 3-4 डिफरेंस आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके बच्चे को स्पीच डिले है या ऑटिज़म है। ऑटिज़म एक डिसऑर्डर होता है जिसको जितनी जल्दी हम डिटेक्ट करके डॉक्टर के पास जाएंगे उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएगा। अगर हम लेट करेंगे तो उसके ठीक होने के चांसेस भी कम होते जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके बच्चे में ये सब चीज़ लक्षण है ऑटिज़म वाली, तो आप जल्दी से जल्दी ऑटिज़म के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं के पास जाएं। किसी नॉर्मल जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनके पास जाने से कोई मतलब नहीं होगा, आपको प्रॉपर जो ऑटिज़म के जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं के पास जाना चाहिए ताकि वो उस चीज़ को जल्दी कवर कर सके। तो आज हम पहले बात करते हैं स्पीच डिले की, कि स्पीच डिले में क्या क्या होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे ऑटिज़म के बारे में। तो पहले आता है स्पीच डिले। अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल या 3 साल से ऊपर हो चुका है और अभी तक वो बात करना स्टार्ट नहीं हुआ है तो एक बात तो सही है कि उसमें स्पीच डिले तो है, उसके अलावा कहीं उसे ऑटिज़म तो नहीं है, वो हमें चेक करना है। तो अगर आपके बच्चा स्पीच डिले, मतलब अगर वो बच्चा बात नहीं करता है, उसके अलावा जब भी आप उसको आवाज़ लगाते हो तो वो वापस पलट के देखता है या नहीं देखता है, उसे बोलते हैं रिस्पॉन्ड टू नेम। अगर आपका बच्चा आपके बुलाने पर पलट के देखता है तो आपका बच्चे में स्पीच डिले है। सेकेंड आता है कि बच्चे में सोशल स्माइल है या नहीं है। अगर आपके बच्चे को कोई, आप जब आप देखते हो और मुस्कुराते हो, या कोई मुस्कुराता है, जैसे आप बच्चा आपके साथ है और आपको कोई मिलता है और वो उस बच्चे को देख के मुस्कुराता है, तो क्या बच्चा वापस बैक में मुस्कुराता है, क्या उसमें सोशल स्माइल है, वो लोगों को देख के मुस्कुराता है। अगर आपके बच्चे में सोशल स्माइल है तो भी बच्चे में स्पीच डिले ही है। थर्ड आता है कि अगर आपके बच्चे में आई कांटेक्ट अच्छा है, अगर आप बच्चे से बात कर रहे हो तो वो आपकी आंखों में आके देख देख के बात करता है, इट मींस उसे स्पीच डिले है, उसे ऑटिज्म नहीं है। फोर्थ आता है कि अगर आपका बच्चा जब भी आप उसे कोई काम के लिए बोलते हो तो वो जाके वो काम कर देता है, वो इशारों से आपको सब कुछ समझा देता है, उसमें बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, बस उसमें स्पीच नहीं आ रही है, तो बच्चे को स्पीच डिले ही है, उसके अलावा बच्चे को ऑटिज़म जैसी प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट आता है कि ऑटिज़म में क्या क्या सिम्टम्स अलग होते हैं। जो ऑटिज़म होता है उसमें 4-5 ज़्यादा होते हैं सिम्टम्स। जैसे फर्स्ट आता है कि अगर आप बच्चे में आई कांटेक्ट नहीं होता है, जैसे आप बच्चे से बात कर रहे हो तो बच्चा कहीं और ही देख रहा है, जैसे आप बच्चे से बोल रहे हो कुछ भी और बच्चा कोई ध्यान नहीं दे रहा, बच्चा इधर उधर देख रहा है, इट मीन्स बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है। सेकेंड आता है कि आप बच्चे को बुला रहे हो, रिस्पॉन्ड टू नेम उसमें बिल्कुल नहीं होगा, अगर जैसे आप उसको बुला रहे हो तो वो नहीं सुनेगा, तो ये भी चीज़ हो सकती है कि अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो भी उसमें ऑटिज़म हो सकता है। थर्ड आता है कि अगर बच्चे को कोई स्माइल कर रहा है सोशल स्माइल, तो वो सोशल स्माइल भी नहीं करता है, तो ये भी एक ऑटिज़म का ही लक्षण होता है कि बच्चे में सोशल स्माइल बिल्कुल नहीं होती है, वो अलग ही कोने में खोया खोया रहता है, तो उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपनी ही दुनिया में गुम होता है, जैसे मस्त मौजी जैसे बच्चे होते हैं वैसे, पर मस्त मौजी एक अलग ही लेवल का हो जाता है, वो जब किसी से बात नहीं करना उसे अलग ही रहना होता है। उसके अलावा जैसे कोई भी चीज़, उसके हाथ में कोई भी खिलौने होंगे तो वो इसको एक लाइन में लगाएगा, जैसे कि अगर बच्चा ब्लॉक्स होते तो ब्लॉक्स एक लाइन में लगाते हैं, उनके हाथ में कोई भी चीज़ होती तो उसे एक लाइन से लगाते हैं, तो ये एक ऑटिज़म का लक्षण है, तो आपको डॉक्टर के पास जल्दी जाना चाहिए। अगर बच्चा एक लाइन में सब चीज़ें लगा रहा है, अगर उसमें आई कॉन्टैक्ट नहीं है, सोशल स्माइल नहीं है,
रिस्पॉन्ड टू नेम नहीं है। अगर बच्चे को स्पीच है, माना कि उसमें स्पीच है, चाहे वो थोड़े बहुत वर्ड बोलता हो, शायद वो ABCD पूरी बोल लेता हो, लेकिन वो उसका मन होता है जैसे वो कोने में जाके ABCD बोलता हो या कोने में जाके ही कोई काम करता हो। आपने उसको कोई काम के लिए बोला, वो कुछ ध्यान नहीं देगा, आप उसे बार बार आवाज़ लगा रहे हो, कभी वो सुनेगा कभी वो नहीं सुनेगा। मीन्स जब उसका मन होगा तब वो सुनेगा, अदरवाइज वो नहीं सुनेगा। तो भी ये भी ऑटिज़म का लक्षण है। अगर आपके बच्चे में ये सारे लक्षण हैं तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर उतनी जल्दी उसको ठीक कर देगा। हमारे बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, और हम जितना जल्दी इस चीज़ को समझेंगे, हम अपने आप को कोसना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक कर लें। मैं इस दौर से गुजरी हूँ, मैं बहुत परेशान रहती थी कि कहीं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे अपने बच्चे को बुलाया और बच्चा जवाब नहीं देता है तो बच्चा बहरा भी हो सकता है, तो उसकी बेरा की जाँच भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी डॉक्टर ऑटोमेटिकली कर देते हैं। पर बच्चे में हम जब शुरू में जब बच्चा नहीं बोलता है तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि कहीं बच्चे के कान में तो प्रॉब्लम नहीं है, हम बेरा की जाँच करवाते हैं, वो नॉर्मल निकलती है, उसके बाद हम फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं कि बच्चा बोलेगा बोलेगा। कभी बार हम ये सोचते हैं कि इसके पापा लेट बोले थे तो ये भी लेट बोलेगा, लेकिन अगर पापा लेट बोले हैं तो उनमें ये सिम्टम्स नहीं होंगे जो ऑटिज़म वाले बच्चों में होते हैं। अगर आपके बच्चों को जो ऑटिज़म वाले लक्षण हैं तो आपको ज़रूर से डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। अगर बच्चे को माइल्ड है तो वो प्योरली क्योर हो सकता है अगर आप टाइम पे जाओगे। बस आपको अच्छे से डॉक्टर के पास जल्दी जाना है, और बच्चे जो डॉक्टर बोले वो करोगे तो आपके बच्चा, मतलब बोलते हैं डॉक्टर्स की, अगर 100% क्योर जाता है अगर उसका माइल्ड है तो। अगर उसका मीडियम है तो वो माइल्ड हो जाता है, और किसी का सीवियर होता है तो वो मीडियम में आ जाता है। तो आप जितना जल्दी डॉक्टर के पास जाओगे आप बच्चे को उतनी जल्दी नॉर्मल बना सकते हैं। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब आहन 3 साल का हो गया था उसके बाद भी बात नहीं करता था, वो दो या तीन शब्द बोलता था। वो मम्मी इतना बोलता था कि वो सभी को मम्मी बोलता था, उसे कोई शब्द निकलते नहीं थे। मतलब कोई भी मिलेगा उसे तो वो मम्मी से ही बात करता था। सब लोग मजाक भी बनाते थे कि क्या ये बच्चा है जो मम्मी मम्मी बोलता है। मेरे को बड़ा दुख होता था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो सभी को मम्मी बोलता था। मतलब उसे कुछ और शब्द निकलते ही नहीं थे, सिर्फ पापा मम्मा के अलावा उसे कोई शब्द नहीं निकलते थे, और वो सबको ही मम्मी बोलता था। उसे ऐसा लगता था कि मम्मी एक बुलाने का शब्द है और सबको एक दूसरे को मम्मी बोल के ही सब बुलाते हैं। तो उस टाइम पे आहन 3 साल का हो गया था, उससे छोटे बच्चे सब बोलना स्टार्ट हो गए थे। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे उसे कौन से डॉक्टर के पास लेके जाना है। उसके बाद धीरे 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 मैंने रिसर्च करी, फिर मेरे को समझ आने लगा कि बच्चे और मेरी क्या गलतियाँ थी जिसकी वजह से आहन में स्पीच डिले हुआ है। वो भी मैं वो जब मेरे को समझ आई, फिर मैं धीरे धीरे उन चीज़ों को रिकवर करने लगी। आप बच्चे के पास, अगर आपके बच्चे को स्पीच डिले है तो आप बच्चों को जितने बच्चों में रखोगे, जितना ज़्यादा आप बच्चों से बात करोगे उतना जल्दी बच्चा बोलना सीखेगा। मेरे केस में क्या था कि मैं हस्बैंड और आहन तीनों अकेले रहते हैं, दैट्स वाई वो दिन भर जॉब पे रहते हैं। मैं आहन से इतनी ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी, ना ही उसको मैं ज़्यादा एक्सपोजर दे पाती थी बच्चों के साथ, या किसी उसे सोशली मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करा पाती थी, दैट्स वाई उसको कुछ सुनने को ही नहीं मिलता था तो वो कैसे बोलेगा। तो उसका एक रीज़न तो ये था कि अगर आपके बच्चा नहीं बोल रहा है और आपके बच्चे में सब कुछ नॉर्मल है, जैसे कि बच्चा रिस्पॉन्ड टू नेम है, आई कॉन्टैक्ट है, आप जो बोलते हो वो कर लेता है, कोई भी एक लाइन में कोई भी सामान नहीं लगाता है, तो आपका बच्चा नॉर्मल है। सिर्फ उसे स्पीच डिले है और उसके अंदर आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें करनी हैं। फर्स्ट तो अगर आप चाहे कितना भी, अगर आप कितना भी बिजी हो या आपके पास कोई ना हो, आपने बच्चे को बाहर निकल के लेके बाहर निकलिए, थोड़ा सा उसको लोगों से इंटरेक्ट कराइए। जितना ज़्यादा बच्चे बच्चों के साथ रहेंगे उतनी जल्दी वो बोलना सीखते हैं। मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं बच्चों के साथ उसकी बात नहीं करा पाई, या फिर मैं न्यू मॉम थी इस चक्कर में भी मेरी ज़्यादा समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, दैट्स वाई आहन की बोली लेट आई है। वो टीवी देखता था, तो टीवी देखने से बच्चे, अगर आप बच्चे को किसी काम कर रहे हो और आपने थोड़ी देर बच्चे को टीवी के चला दिया तो बच्चे सिर्फ सुनना चाहते हैं, वो मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को एक्टिव रखने की कोशिश करें। तो जब आहन 3 साल का हुआ, उसके बाद 3 साल के बाद जब बच्चे आहन को जब बच्चों के साथ ज़्यादा खेलना स्टार्ट करवाया मैंने, उसको बार बार बच्चों के पास लेके जाती थी, उसको सबसे बात करवाती थी, उसे घर से बाहर निकालती थी, उसके बाद आहन की जो बोली आई है आज वो अच्छे से बोलने स्टार्ट हो गया है। उतना क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छे से अपनी चीज़ों को समझा देता है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब हर कोई उसकी बात समझ पाता है, पहले कोई उसकी बात नहीं समझ पाता था। जैसे अगर आप कोई आता था तो सब हंसते थे कि किस तरह से बात करता है। कई बार तो लोग
एक शब्द होता है हमारे अंदर बोला जाता है काबा, तो कई बार लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि मजाक में बोलते थे वो कि आपका बच्चा तो काबा है, तो मुझे बहुत वो मजाक में बोलते थे लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि ये कोई शब्द अच्छा नहीं है, मतलब जो बच्चा नहीं बोल पाता हो उसका मतलब ये होता है, तो बच्चे ऐसे भी बोल देते थे, तो एज ए मॉम हमें बहुत बुरा लगता है कि हमारे बच्चे को कोई ऐसे बोल दे। पर जब मैंने धीरे धीरे उस पर बातें करना स्टार्ट करी, जब मैंने रिसर्च करी, तो पता चला कि आप बच्चों को कैसे बुलवाओ, जब आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बुलवाओगे, ज़्यादातर राइम्स बुलवाओ, ज़्यादा ज़्यादा बच्चों से खिलवाओ, जितना बच्चों को देखते हैं ना बच्चे ज़्यादा रिपीट करते हैं बड़ों से कम, और बच्चों को देख के बच्चे ज़्यादा रिपीट करते हैं। तो हानि को जब मैंने सारी चीज़ें करवाई, उसको जितना ज़्यादा सोशल मैंने एक्टिव रखा, जितने ज़्यादा लोगों से मिला सकते हो उतना ज़्यादा मिलाओगे, आपका बच्चा बहुत जल्दी, उसका टीवी और मोबाइल बहुत कम कर दीजिए तो आपका बच्चा बहुत जल्दी बोलेगा। अगर आपका बच्चा टीवी मोबाइल, अगर आपका बच्चा 1 घंटा भी बिताता है ना, तो भी अगर आपका बच्चा नहीं बोलता है तो आपको ज़रूर से उसको 1 घंटे से भी कम करके उसको जितना ज़्यादा हो सके बाहर ले जाना चाहिए, उसको लोगों उसे मिलाना चाहिए, उसे बच्चों के साथ खिलवाना चाहिए, तो आपका बच्चा जरूर बोलेगा। और अगर आपके बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण हैं तो आपको बिल्कुल देर करे बिना ऑटिज्म के बाद के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास जरूर जाना चाहिए, वो आपके बच्चे को प्योरली क्योर कर देंगे अगर उसमें माइल्ड है तो। अगर उसमें थोड़ा ज़्यादा है तो उसको काफ़ी हद तक वो कम कर देंगे अगर सही टाइम पे आप उनको सेशन लोगे वो। और अगर आपका बच्चा फिर भी नहीं, अगर आपका बच्चा नॉर्मल है और उसमें स्पीच नहीं आ रही है, और आपने ये अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते, माना कि आपका बच्चा 3 साल से ऊपर हो चुका है या 4 साल से ऊपर हो चुका है, तो आप उसकी स्पीच थेरेपी भी होती है तो आप उसमें भी बच्चों को डाल सकते हो। पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जो ऑटिज़म वाले होते हैं वही आपको बताएंगे कि आपको कैसे उनको स्पीच थेरेपी में डालना है। जब आप स्पीच थेरेपी में डालोगे तो आपके बच्चे की स्पीच बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर पता चलता है कि आपके बच्चे अगर नहीं बोल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है आपके बच्चे को, कि आपके बच्चे को स्पीच डिले है या आपके बच्चे को ऑटिज़म है। तो अगर दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आपके बच्चे को है तो आप टेंशन ना लें, बस आप इनका जल्दी से जल्दी क्योर करने की कोशिश करें। आप डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर देंगे। आपको किसी भी बच्चे के डॉक्टर के पास नहीं जाना है, जो डॉक्टर ऑटिज़म का स्पेशलिस्ट होता है आपके पास, आपको उनके पास जाना है। जितना जल्दी आप उनके पास जाओगे वो उतनी जल्दी आपकी, क्योंकि आप दूसरे डॉक्टरों के पास चक्कर काटते रहोगे और आप अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि जब हाँ नहीं बोल रहा था कि मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ, अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि किसके पास जाऊँ, तो मेरे दिमाग में यही आता था कि बच्चों के डॉक्टर के पास जाओ या फिर कान के डॉक्टर के पास जाओ। तो उनके पास नहीं जाना है, आपको जाना है ऑटिज्म के स्पेशलिस्ट के पास, वो आपकी इस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर देंगे और आपका बच्चा बहुत जल्दी बोलना स्टार्ट करेगा। थैंक यू।